धर्मनगर चित्रकूट के देवउठानी एकादशी पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा रामघाट पर दीपदान किया जा रहा है। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आ रहा है क्योंकि इस बार देवउठानी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थ मास में शयन के बाद भगवान विष्णु चार महीने के बाद देवउठानी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं। मान्यताओं के अनुसार देव प्रबोधिनी और देव शयनी के दिन व्रत करने से पूरे साल एकादशी व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। इस बार तिथियों के ऐसे संयोग बना है कि एकादशी व्रत 14 नवंबर को करें या 15 नवंबर को, इसको लेकर उलझन की स्थिति मनाया जाता है। रिपोर्ट रहमत अली चित्रकूट। भगवान क्षीर सागर से ऊपर आए थे, वैकुंठ आए थे और देवउठानी एकादशी को सारे देवताओं ने देव दीपावली भी मनाई और श्री चित्रकूट धाम में भगवान 11 वर्षों तक रहे लीला की भगवान ने, तो 33 करोड़ देवताओं के साथ यहाँ देव दीपावली मनी। उसमें कोई नहीं रहा, देवताओं ने ही दीपावली मनाई, दीपदान किया। वही माँ मंदाकिनी का तट है, श्री चित्रकूट धाम है, तो वही परंपरा से आज भी देव दीपावली श्री चित्रकूट धाम में धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें पूज्य साधु संत भी रहते हैं और लाखों श्रद्धालु रहते हैं। माँ मंदाकिनी में देव दीपावली को दीपदान करते हैं, एकादशी को 11 दीपक जलाते हैं और कामतानाथी में भी दीपदान करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। हमारे लोग को सजाने वाले